वेलकम टू माय चैनल TCD द क्विक डायरीज। आज मैं आपको बता रही हूँ फिंगर चिप्स, जो भी बिना मैं हाथ से बनाऊंगी, वो भी बिना कटर के, और जिसको आप 2 से 3 महीने तक फ्रीजर में रख के स्टोर भी कर सकते हैं, और चाहें तो अभी भी बना के उसी वक्त भी खा सकते हैं। और बहुत ही क्रिस्पी होंगे जो रेस्टोरेंट्स में बनते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं पटेटो, आप कितने भी ले सकते हैं, ये 2 kg पटेटोज हैं। आपको जितने ज़्यादा बनाना हो उतने ज़्यादा ले लें। और ये है 1 बाउल कॉर्नफ्लोर। अब मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से बनाना है। पहले आप पटेटो ले लीजिए, उसको छीलिए, उसको पानी में डालते जाइए। जब भी आलू आप काटें छीलें, हमेशा ध्यान रखें कि उसको पानी में डालें, नहीं तो आलू जो है अपने काले हो जाएंगे। सारे आलू छील लेती हूँ। देखिए मैंने आलूओं को अपने छील कर और धो लिया है, इसको अच्छे से पानी से धोना है। अब मैंने एक पानी और लिया है उसमें। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से काटना है। अब बिल्कुल आलू के बीच में से 2 पार्ट करिए। अगर आलू कुछ ख़राब वराब हो तो उसको अलग कर दीजिए, फिर उसमें से एक हिस्सा, फिर बीच में से इतना हिस्सा करिए। इसका चौड़ा इंजॉय इतनी ही होना चाहिए, थोड़ा आप चाहें तो मोटा भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। इसको इस तरह से काटिए, ये देखिए आपको। सबको इसी तरीके से काटना है, सारे आलूओं को। सब आलू काट लूं, ये देखिए मैंने फिंगर चिप्स जो है काट के रख ली हैं। देखिए इस तरह से मैंने पूरे जो अच्छे से धोना है, इसको एक बार और पानी फेंक दूंगी और इसको और अच्छे से पानी से धो दूंगी, ताकि इसका ये पानी है बिल्कुल पानी जो है क्लियर दिखे। ये देखिए मैंने आलू को अच्छे से धो लिया है। पानी आप इसको 4-5 पानी से धोइए, ताकि जो आलू का एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए। इससे क्या होता है, आलू जो चिप्स होते हैं फिंगर चिप्स, वो बहुत क्रिस्पी बनते हैं। अब ये मैंने एक पॉट लिया है, उसमें मैंने पानी गर्म करने के लिए डाल रख दिया है 4 चम्मच नमक। इसमें पानी में ये देखिए पानी में हमारे जो है उबाल आने वाला है। बस इसका अपन को वेट करना है, पानी उबाला जाए और ये जो अपने फिंगर्स हैं वो 50% बॉयल हो जाए। अपन को इसको 100% बॉयल नहीं करना है, सिर्फ 50% बॉयल करना है, कि बस इसमें एक बॉयल आएगा, उससे जो अपने चिप्स हैं फिंगर चिप्स वो 50% बॉयल हो जाएंगे। मैं दोनों ऊपर नीचे से मिला दूंगी, नहीं तो ऊपर वाले थोड़े कम होंगे और नीचे वाले ज़्यादा गल जाएंगे। इसलिए हल्के हाथ से आपको इसमें ये झारा चलाना है, ज़्यादा कर रहे हाथ से नहीं, नहीं तो अपने जो चिप्स हैं वो टूट जाएंगे। देखिए हमारे पानी में जो है बॉयल आ गया है और हमारे फिंगर्स हैं, देखती हूँ मैं उनको, वो भी जो है फिर थोड़े और उसको 2 मिनट तक और पकाएंगे। पानी में जो है बॉयल आ गए और हमारे फिंगर्स हैं वो भी गल गए हैं। अब मैं इनको, ये देखिए ठंडा पानी है, चिल्ड वाटर, उसके अंदर इसको ट्रांसफर करेंगे, ताकि इससे इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए और ये जल्दी ठंडे हो जाए। सारे फिंगर्स इस ठंडे पानी में निकाल लूँगी और इस ठंडे पानी में से निकाल के इसको एक छलनी में डालना है, जिससे जो है उसका पानी जो है निथर जाए पूरा। अब देखिए एक मैंने कॉटन का कपड़ा बिछाया है, उसके ऊपर मैं ये जो चिप्स है फिंगर्स है वो डाल दूँगी, फैला दूँगी।
ताकि जो इसमें इसको अच्छे से फैलाना है, ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो ये कपड़ा एब्जॉर्ब कर ले। थोड़ा इसको मैं 5 मिनट तक फैला के रखूँगी, आप चाहें तो पंखे के नीचे रख लें। मैं यहीं पर कर रही हूँ अभी, थोड़ा इसको छोड़ दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए। देखिए मैंने इसको सुखा लिया है, इसका सारा पानी जो है फिंगर्स का सूख गया है। अब मैं इसको एक तसले में ट्रांसफर करूँगी। मैंने आधे फिंगर्स इसमें थाली में लिए हैं, उसके बाद इसमें मैं कॉर्नफ्लोर डालूंगी। इतना डालना है कॉर्नफ्लोर कि इसमें जो है अपनी कोटिंग अच्छे से हो जाए। इसको इस तरह से करिए, ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं लिए कि वो तो इसमें अपन ज़्यादा फिंगर्स डालेंगे तो फिंगर्स जो है अपने टूट जाएंगे और उसमें अच्छे से कोटिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए आप भी ध्यान रखें, जब भी इस तरह से आप करें तो मिलाएं, तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं। फिर इसमें ऐसे करिए, जब इनको अपन फ्राई करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। चलिए देखिए इतने में हो गया। अब मैं इनको दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। ये देखिए हमारे फिंगर्स में कॉर्नफ्लोर की कोटिंग हो गई है। ये मैं इसको वापस डाल देती हूँ सारे। इसमें मैंने थोड़े और लिए हैं फिंगर्स, इसमें भी मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दी है। इसको भी उसी तरह से करूँगी। देखिए हमारे फिंगर्स में अच्छे से कोटिंग हो गई है। अब करना क्या है कि इस टाइप का एक ट्रॉली बैग लेना है, इस टाइप का, ये देखिए ऐसा, इस तरह से एक थैली लीजिए पॉलीथिन, और इसको फिंगर्स को इस तरह से फैलाइए। ध्यान रखें ये ठंडे ही हों, गरम ना हो। अपन ने वैसे ठंडे पानी में डाल लिया था, तो ये जो है ठंडे हो गए हैं। सुखा भी लिया इसका पूरा पानी। ये देखिए इस तरह से इसको हमने रख दिया है। इसको आप मेरे पास ये वाली पॉलीथिन थी, आपके पास भी लोग बैग हो तो आप उसमें करके तरह करके रख सकती हैं। इस तरह से आप पैकेट पाउच पैक कर और इनको फ्रीज़र में रखना, जहाँ पर बर्फ़ जमती है इनको वहाँ पर रखेंगे आप, रखकर स्टोर करेंगे तो आप इसको 2 से 3 महीने तक इसको रखकर आप खा सकते हैं। वैसे भी अभी रमज़ान है, रमज़ान आने वाले हैं, तो आप रमज़ानों की तैयारी के लिए इसको तैयार करके इस तरह से रख सकते हैं। और इसको जब भी आपको इसको फ्राई करना हो तो उससे 1/2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले फ्रीज़र में से निकाल कर अलग बाहर रख दें, उसके बाद इनको फ्राई करें। ये बचा के रखें, इनको मैं आपको फ्राई करके बताती हूँ कि ये हमारे फिंगर्स जो हैं कितने क्रिस्पी बनेंगे। इसके लिए मैंने पैन में तेल गरम करने रखा है। देखिए तेल हमारा जो है वो गरम हो गए। अब मैं इसमें इस तरह से फिंगर्स डालूंगी, आप हाथ से भी डाल सकते हैं, मैं इसलिए डाल रही हूँ इस तरह से, आपका जो हाथ है वो जले नहीं। देखिए इसमें मैंने फिंगर चिप्स डाल दी हैं, लेकिन अब इसमें डालने के बाद मैंने चम्मच या झारा नहीं डाला है। जब ये हल्के से ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद मैं इसमें इसको पलटूंगी। अभी चलाएंगे तो इसका जो है टेक्सचर वो ख़राब हो जाएगा। देखिए हमारे फिंगर्स जो है थोड़े से ब्राउन हो गए, मैं इसको पलट दूंगी। थोड़ा सा इसको चला देना ताकि दोनों साइड से जो है
अच्छे से फ्राई हो जाए। और ध्यान रखिए कि फ्लेम जो है अपन को उसकी हाई रखना है, लो नहीं करना है। ये देखिए बबल्स निकल रहे हैं इसमें, ये अंदर तक ये जो है फ्राई हो रहा है, इससे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। देखिए हमारे फिंगर चिप्स जो हैं फ्राई हो गए हैं, तो मैं इसमें निकाल लेती हूँ, आप भी इसी तरह से निकालिए ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। फिर एक ये वाली जाली में रखूँगी ताकि जितना भी इसका ऑयल है वो जो है निकल जाए इससे। और डालूंगी मैं ये, देखिए आपको आवाज आ रही कितने क्रिस्पी बने हैं हमारे फिंगर चिप्स। देखिए आप भी ट्राई करिए घर पर, ये देखिए अंदर से भी सॉफ्ट है और बाहर से क्रिस्पी है। देखिए मैं बताती हूँ आपको किस तरह से इसकी क्रिस्पीनेस है। देखिए आप घर में इस तरह से बनाएंगी तो आपके बच्चे बाहर के फिंगर चिप्स खाना भूल जाएंगे और हेल्दी भी रहेंगे और सस्ते भी पड़ेंगे। बाहर बहुत महंगे मिलते हैं, घर में बनाएंगे तो आप सस्ते भी रहेंगे और टेस्टी भी लगेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।